तो डेटा इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन, देखिए इसमें थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम इस चार्ट के बारे में एक बार। तो ये कह रहा है आपको कि फूड पे 25% खर्चा हुआ था, प्रोविडेंट फंड पे 12%, मेडिकल पे 13% और चाइल्ड एजुकेशन पे 23, इंटरटेनमेंट पे 9% और हाउस रेंट पे 18%, टोटल 100% था ये। तो 100 में से इतने इतने खर्चा कर दिया। दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है इसमें कि आफ्टर प्रोविडेंट फंड, अगर आप प्रोविडेंट फंड को बाहर निकाल देंगे और जो घर का खर्चा उसने करा उसको भी बाहर निकाल देंगे, तो बताइए कि टोटल इनकम कितनी रही। तो एक बार हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देन हमें समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको कि आपने इस फंड को निकाल दीजिए, तो 12% ये फंड था आपका, इसको निकाल दीजिए, और अगर वो हाउस का रेंट भी दे देता है तो हाउस का रेंट भी निकाल दिया, तो आप बताइए कि टोटल बाकी उसकी सेविंग कितनी रही, क्योंकि उसकी जो टोटल मंथली सैलरी थी वो है इतनी। ठीक है, याद रखिएगा 33,650। तो इसका 12% भी निकाल देना है आपको, इसका 18% भी निकाल देना है, और जो बाकी बच जाएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सा इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है हमारा। तो देखिए आया कैसे ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों को पहले से ऑलरेडी पता है कि हम टोटल कितना लेते हैं, टोटल हम लेते हैं 100%। 100 में से हमें माइनस क्या करना है, 12% जो कि उसने हमने कहा कि इसे बाहर निकाल दीजिए, और 18% दोनों चीज़ों को बाहर निकाल देंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो जब हमें पता चला कि 12 और 18 कितना होता है, 12 और 18 ये दोनों चीज़ों को बाहर निकालना है, तो ये होगा टोटल कंबाइंड में 30। तो 70 में से हम 100 में से 70% जो हमारे पास बच जाएगा, 30% हमने लेस कर दिया इसका, तो वही 70% जो हमारा बच गया हम 70% निकाल देंगे। ठीक है, तो 70% इंटू जो हमारी टोटल इनकम थी उसकी, तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट आंसर में ये आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द टोटल अमाउंट पर मंथ, द टोटल अमाउंट पर मंथ द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड द इंटरटेनमेंट कंबाइंड, फूड पे ओके और एंटरटेनमेंट पे वो लोग कंबाइंड कितना स्पेंड कर रहे हैं। एक बार हम दोनों की परसेंटेज देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन में जा करके। तो परसेंटेज में हमें क्या पता चल रहा है, फूड और एंटरटेनमेंट पे, देखिए यार फूड पे वो लोग खर्च कर रहे हैं कितना, एंटरटेनमेंट पे 9% और फूड पे 25%, तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, तो उसको हम उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो इसका जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, पर हुआ कैसे एक बार इसे समझ लेते हैं। तो हुआ यूँ कि फूड पे उसने कितना खर्च करा था हमें पढ़ा, 25 एक चीज़ पे करा था और 9% एक पे खर्च करा था, तो दोनों को मिला के होता हमारा 34। ठीक है, तो हम पूरी सैलरी का 34% निकाल देंगे, यानी 100 में से हमको कितना मिला, 34 का खर्चा करा हमने, तो मल्टीप्लाई बाय जितनी टोटल इनकम है, तो ये हमने रखा 34, मल्टीप्लाई कर दिए इसे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम सॉल्व करेंगे ये हमारा रिजल्ट रहेगा 11,441 रुपीज़। ओके, तो दोनों पे कितना खर्चा होगा, इतना होगा।